हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पीहू खन्नाते और आप सभी का हमारे नए ब्लॉगिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइज, बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हमारा ऑलरेडी एक कुकिंग चैनल है जिसका नाम है पीहूस किचन। तो गाइज, आपने पीहूस किचन हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारा प्यार दिया है। आशा करती हूँ ये सपोर्ट, ये प्यार आपका आगे भी मिलता रहेगा। तो गाइज, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। अब वो स्पेशल डे क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज 1 जुलाई और 1 जुलाई को मैं क्रू का एडमिशन करने वाली हूँ स्कूल में, क्योंकि वो अभी 3 साल का हो चुका है। तो मैंने सोचा, कभी कभार हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, कुछ ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, तो वो हमारे यूट्यूब पे कुकिंग चैनल पे अपलोड करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारा एक सेपरेट ब्लॉगिंग चैनल बना लिया जाए, जिसपे हम डेली ब्लॉग्स जो है अपलोड करेंगे। तो मेरे चैनल का नाम है ब्लॉगिंग विद क्रू। तो गाइज, मैंने ब्लॉगिंग विद क्रू इसलिए रखा क्योंकि मैं क्रू के साथ ब्लॉग्स बनाने वाली हूँ। क्रू के साथ हमारा डेली रूटीन जो है वो उसके वीडियोस शेयर करते जाऊँगी आपके साथ। तो स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि क्रू अभी 3 साल का हो गया है, और आप सभी तो जानते हैं 3 साल के बाद बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया जाता है। तो मैंने उसका एडमिशन किया है फिलहाल तो प्ले स्कूल में, अभी वो 3 साल का होने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो फिर भी मैंने उसका एडमिशन किया है, अभी समर कैंप चल रहा है तो समर कैंप में वो भी जाएगा। तो इसीलिए स्पेशल डे क्योंकि लाइफ में पहली बार वो स्कूल जाने वाला है। तो मैं क्रू के साथ ब्लॉग शूट करूंगी, वीडियो शूट करूंगी, और जो आपके साथ ये ब्लॉगिंग विद क्रू चैनल पे अपलोड करूंगी। तो गाइज, आशा करती हूँ कि हमारे जैसे पुराने चैनल, मतलब पीहूस किचन को जिस तरह से आपका सपोर्ट मिलता आया है, मिलता रहा है, मतलब मिल रहा है, वैसे हमारे नए ब्लॉगिंग चैनल को भी मिले, ब्लॉगिंग विद क्रू को। तो फ्रेंड्स, हमारा नया चैनल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग्स अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग्स को, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना। और हाँ गाइज, अगर आपको लगता है हमारे ब्लॉगिंग करते समय कुछ गड़बड़ हो, या फिर कुछ गलती हो, या फिर कुछ नई आइडियाज़, नए कंटेंट्स जो आपको ऐसा लगे कि हमें सजेस्ट करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। गाइज, प्लीज़ 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 कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम आपके लिए कौन कौन से कंटेंट्स लेके आ सकते हैं। तो ये ब्लॉगिंग चैनल में हमारे कंटेंट्स रहने वाले हैं, हमारा डेली रूटीन क्रू के साथ, मान लीजिए कहीं बाहर गए वो वीडियोस, या फिर क्रू की पढ़ाई, क्रू की डेली एक्टिविटी, मेरा डेली रूटीन, कभी कभार बर्थडे ब्लॉग्स। तो ये सारे ब्लॉग्स हम इस ब्लॉगिंग चैनल में अपलोड करने वाले हैं। तो स्पेशल डे इसीलिए है क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही खास है। तो आज मैं जाने वाली हूँ क्रू को लेके स्कूल में उसका एडमिशन कराने। तो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो अभी हम जाने वाले हैं क्रू को लेके एडमिशन के लिए। तो मिलते हैं ब्लॉग में, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा गाइज, और पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करके शेयर ज़रूर करना। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हे गाइज, अभी हम लोग क्रू के स्कूल पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमने सारा एडमिशन का प्रोसेस कर लिया है। एडमिशन के प्रोसेस का वीडियो हम उसका ब्लॉग नहीं बना सके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, क्रू का स्कूल का प्रमाइसेस देख लेते हैं। मैं आपको इसका वीडियो दिखा देती हूँ। तो ये मेरे साथ है मेरा क्रू बेबी। हेलो फ्रेंड्स, बोलो ना, जोर से बोलो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है प्ले स्कूल का एरिया। ये इसका मेन गेट है, और ये रहा एंट्री गेट। तो ये है प्ले स्कूल का एंट्री गेट, जिसका नाम है शारदा कॉन्वेंट। शारदा कॉन्वेंट जो है वो प्ले स्कूल का नाम है, मतलब प्ले ग्रुप है, और इसी को लगकर दूसरा भी स्कूल है जिसका नाम है शारदा विद्यालय। ये स्कूल है जो ओनली गर्ल्स स्कूल है। गर्ल्स स्कूल और प्ले स्कूल दोनों एक ही साथ है, दोनों का प्रीमाइसेस एक ही है। तो अभी हम जा रहे हैं प्ले स्कूल की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है क्रू का प्ले स्कूल। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एजुकेशन है, क्योंकि जैसा हमें चाहिए था, घर के पास ही स्कूल चाहिए थी, क्योंकि बच्चा छोटा है तो घर के पास ही स्कूल होना ज़रूरी है। और उसके बाद मुझे CBSE पैटर्न ही चाहिए था, तो यहाँ पर मुझे मिला शारदा कॉन्वेंट में। तो ये रहा क्रू का प्ले स्कूल। यहाँ पे अलग अलग क्लासेस हैं, नर्सरी, KG1 और KG2। बस प्ले स्कूल में इतना ही है, और इसका ये सेपरेट एरिया है जहाँ पे इन लोगों ने अच्छा खासा कंपाउंड वॉल बना के रखा है बच्चों के सेफ्टी के हिसाब से। ये इनका प्लेइंग एरिया है जहाँ पे ग्रीनरी, ग्रास लगा हुआ है। और ये स्कूल मैंने इसलिए चुना क्योंकि घर के पास था, फुल टू CBSE था, और उसके बाद मिट्टी से जुड़ी एक खुशबू है स्कूल में। ऊपर से कवेलू है, मिट्टी खेलने के लिए सेपरेटली यहाँ पे जगह बनाई हुई है, जो आजकल के बच्चों को बहुत कम मिलती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे सुपर माइंड टेक करके एक क्लास होती है, जो बच्चों का माइंड डेवलप करते हैं, ब्रेन डेवलप करते हैं। उसके बाद मेडिटेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसे अदर एक्टिविटीज़ है जो ये स्कूल में करते हैं।
गाइस, अभी मैं क्रू को लेके घर आ चुकी हूँ और क्रू का एडमिशन हो चुका है। तो आज के व्लॉग में हमने क्रू का एडमिशन कर लिया है, तो नेक्स्ट व्लॉग हमारा रहेगा क्रू का समर कैंप का फर्स्ट डे, या फिर क्रू की शॉपिंग भी हो सकती है समर कैंप की। तो नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ जल्दी अपलोड करूंगी, आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, थैंक यू, बाय बाय।